बात करेंगे कुवैत के बारे में। कुवैत अपनी अरबी संस्कृति और विकास के कारण दुनिया में माना जाता है, लेकिन इस देश से जुड़ी कई ऐसी बातें भी हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं कुवैत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कुवैत की स्थापना करीब सन 1613 में हुई थी। कुवैत का पूरा नाम दवालात अल कुवैत है। कुवैत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी के करीब एक महल। इस देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी 16 जून सन 1961 में, यानी कि भारत के बाद। और कुवैत की कुल आबादी तकरीबन 43 लाख है। कुवैत में रहने वाले हर व्यक्ति की औसत इनकम तकरीबन $71 है। और एक सर्वे के मुताबिक कुवैत में रहने वाला एक व्यक्ति औसतन करीब 74 साल तक जीवित रहता है। और यहाँ की गर्मी के तो क्या कहने, कुवैत में इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ का तापमान तकरीबन 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। साथ ही कुवैत की अपनी ही एक मुद्रा है जिसका नाम कुवैती दिनार है। और कमाल की बात यह है, सन 2013 में कुवैती दिनार की वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा थी। और अगर करंट वैल्यू की बात करें तो एक कुवैती दिनार आज के भारत के 212 रुपए के बराबर है। जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे, सऊदी अरब में शराब बेचने पर पूर्ण पाबंदी है, इसी तरह से कुवैत में भी शराब बेचने पर पाबंदी है। कुवैत प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर है। अब बात करते हैं कुवैत के तेल भंडार की। कुवैत का तेल भंडार दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा तेल भंडार है। और कुवैत में खेती बहुत ही कम पैमाने पर की जाती है। और अगर यहाँ आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की बात की जाए तो कुवैत भी किसी से कम नहीं है। दुनिया का 15वां सबसे ऊंचा टावर कुवैत में ही है, जिसकी ऊंचाई करीब 414 मीटर है। सन 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा जमाने के लिए हमला हुआ था, जिसमें हजारों कुवैती मारे गए थे। कुवैत का 60% तेल एशिया में ही एक्सपोर्ट होता है। और ये तो कमाल का फैक्ट है, कुवैत के राष्ट्रीय गान में कोई शब्द ही नहीं है, यानी वहां का राष्ट्रीय गान निशब्द है। और कुवैत में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग विदेशी हैं। और साथ ही इस देश में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुवैत से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जनरल नॉलेज के लिए ये न्यूज़ अच्छी लगी।